हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, फाइलम कॉर्डेटिस पार्ट वन। तो इस वीडियो में फाइलम कॉर्डेटिस में तीन सब फाइलम आते हैं। पहला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसे ट्यूनिकेटा कहते हैं, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है सब फाइलम वर्टेब्रेटा। इसके एग्जाम्पल की ही चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन में फाइलम नॉन क्वाड्रेटिस या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और इससे पहले नॉन इनवर्टिब्रेट्स की जब बात की थी पहले वीडियो में, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, तो इस वीडियो में फाइलम क्वाड्रेटिस की चर्चा करेंगे, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, और अलग से सब फाइलम वर्टिब्रेटा की चर्चा करेंगे, इसके नया वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट में बात करते हैं इस फाइलम कॉर्डेटा की, इसके कैरेक्टर्स की। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है फाइलम कॉर्डेटा को, और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होता है, और पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स भी होती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि नोटोकॉर्ड, तो ये नोटोकॉर्ड के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। नोटोकॉर्ड ये मेजर डर्मरी डिराइव्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फॉर्म होता है ये डॉर्सल साइट पर। जब इस ऑर्गेनिज्म की, इस एनिमल की डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है कई एनिमल्स में, तो ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और कई एनिमल्स में नोटोकॉर्ड, जब जिस एनिमल्स को नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसे कॉर्डेटिस कहते हैं, और कई एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता उसे नॉन कॉर्डेटिस कहते हैं। ये आपने इसके पहले वीडियो में फाइलम पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा तक जो भी ये एनिमल्स थे तो ये नॉन कॉर्डेटिस थे, तो ये नोटोकॉर्ड उनमें नहीं था। तो इस फाइलम कॉर्डेटिस के कई और कैरेक्टर्स है कि इनको बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और ये सिलोमेट होते हुए भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये फाइलम कॉर्डेटिस के मेंबर पजेस करते हैं पोस्ट एनल टेल, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट एनल टेल पार्ट है, और ये इनकी जब सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो ये फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नॉन क्वाड्रेटिस में, कई नॉन क्वाड्रेटिस में ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नॉन क्वाड्रेटिस में होती है, लेकिन क्वाड्रेटिस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए मायने रखती है। ये नीट में आपको पूछते हैं, ये देखिए नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड, और ये माउथ की जब बात करते हैं तो ये वेंट्रल साइड को होता है, और ये गिल स्लिट्स होते हैं, और ये पोस्ट एनल टेल, और नर कॉर्ड भी ये डॉर्सल लाइन पर होता है, ये देखिए डॉर्सल साइड पर, और ये गिल स्लिट माउथ, और ये देखिए यहाँ पर ये वेंट्रल साइड है। ये हुई बात तुम्हारे फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल की फाइलम कॉर्डेटा की। आप इस वीडियो में ये फाइलम कॉर्डेटा, आप जानते हैं थ्री सब फाइला में डिवाइड होते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसे ट्यूनिकेटा कहते हैं, और दूसरा है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा सब फाइलम कॉर्डेटिका है वर्टिब्रेटा, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि ये फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा जो भी मेंबर्स होते हैं, मराइन होते हैं, और इनका नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल टेल तक होता है, और बाद में ये नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसके एग्जांपल की जब चर्चा करते हैं तो एग्जांपल, तीन ही एग्जांपल दिए हैं ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा की। तो एसिडिया है ना, एसिडिया, साल्फा और डोलोलम, ये देखिए एसिडिया, साल्फा, और तीसरा एग्जांपल है डोलोलम। और ये दूसरा सब फाइलम, ये सिफेलोकॉर्डेटा की जब बात करते हैं तो ये
मराइन, ये भी मराइन होते हैं। और नोटोकॉर्ड की जब बात करते हैं तो थ्रूआउट लाइफ होता है, याद रखिए, ये स्टार करके दिया है मैंने आपके लिए। और जब एग्जांपल की चर्चा करते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की एक ही एग्जांपल है ब्रांचियोस्टोमा, उसे एम्फियोक्सिस कहते हैं और लैंसलेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण ये आपके लिए बात कह रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।